महापुरुष शांति बने रखो, अपनी जगह पे विराजमान हुआ रहो। बोनो 5 मिनट के बाद बहुत ही जोरदार को प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत हुई और नारायण भगवान की अनमोल किताब के सामने चादरी है। तो देव नारायण भगवान भाई जी तूने शेठ सारंगदेव शाह जी ने मरिया ने जीवता कर दिया और बूढ़ा ने बालक बना दिया और वन ने बालक दे दियो और धर्म का भाई बन गया। अपनी माता का बचन ने पार लगा साडू माता का बचन ने और फाचा अपना गाया गाड़िया का खेणा में पधार गया अपनी साडू माता ले रीरा मासी ने ले। तो जीव भगत में मेवाड़ की चित्तौड़ हिंदवा सूरज राज गद्दी पर राजा चित्रांगद हा जो चित्तौड़गढ़ ने बसे राजा चित्रांगद मौर्य वंश का राजा वहां की चौथी पिंडी चाल रही वहां का पड़पोता राजा हमीर को राज हो। राजा हमीर का दो कामदार वह नगरी का मीने घूम रहा है वह भीड़ में भगवान का प्रचन देख रहा है। राजा साहब का दो ही कामदार दौड़िया भाग्या राणा जी के रावड़े जावे। राणा जी ने बात की खबर देवर कहेंगे वाह लाग जाओ भाई सुनो रे राणा जी बात बात आपका राज में गायो गया थो गवाल गुहाल। अरे आपका राज में बूढ़ा ने बालक बढ़ता दे क्या मरिया ने जीवता होता दे क्या गिटची धोड़ गए है जुई माही ने खबर दी थी राणा जी ने। हो राणा जी आपका राज में ईशा चंबा देखा सा मैना अशा चंबा आप खदे ने देखा हो। अरे राणा जी मर्यादा ने मैना जीवता होता देखा
और बूढ़ा ने पाता बालक बनता दिखा दे गया। या बात होनी राणा जी बेचार बढ़ गया, अरे मरिया तेगा भी फादा जीवित होगी न बस, और बूढ़ा भी फादा बालक बनाएगी न बनाए तो विधि को विधा नहीं कौन है कर यो काम खून करियो शो कैसा एक गायों को ग्वाला जोड़ो है वो गायों को ग्वाल बड़ो चमत्कारी सा और वो अतरो चमत्कारी है कि था का दरबार में जा जावा नटे तो बढ़िया दरबार में जाने राजगद्दी समेत ही गायब कर दे। राणा जी किन्नर राजगद्दी जोड़ तो राणा जी चिंता में पड़ गया तो वहां कह जो भी वहां भगत का मीन है जो भी ऊंचार ऊंचार दरबार जरा सबने बुलाया फटाफट कहो शान को आदमी कौन हो सके मर्यादा ने जीवता करियो और बूढ़ा ने बालक बना रही हो फिर छाने ने बना रही हो चोड़े धारे बना रही हो आके गांव का देख लिया और फिर थोड़ी देर के लिए ने बना रही हो बूढ़ा ने बालक जिंदगी भर के लिए बूढ़ा ने फाजा बालक बना दिया और उन्होंने हाथ यू हाथ बालक दे रही हो बाजड़ा ने और राखी डोरा बना रही हो आंखड़े बना रही हो यो शान को आदमी कौन हो सके। कोई एक तो भगवान को भगत है खुद भगवान है भगवान का अवतार है वाकाने के कोई जादूगर की चीज है कोई काचो कलू है पाको कलू है कई चोट वाकाने के यो खई है ई बात को पढ़ चो ले वहां जो बात कराई की बात की परीक्षा ले वहां। तो राणा जी कामदार ने पूछ रहे देखो वो रूप तो बताओ वो रूप क्षण को एक तो कोई बूढ़ो हो बालक हो मोजार हो साधु संन्यासी हो कोई राजो रजवाड़ो हो आम आदमी हो वो को रूप तो बताओ। तो दो ही कामदार भरिया दरबार में नारायण भगवान को ही रूप दबा देखा भाई सुनो राणा जी बात बात वहां की सूरत सुहानी सोवणी जाने पुनम से सोचांद हाँ वहां के भेट मान आन वहां के नीलो घोड़ो नौल को गर्ज बड़े यश महान वहां के नीलो घोड़ो नौल को गर्ज बड़े यश महान वहां के आके फाते चाल या तो काला गोरा लाल बेटवा ने नीला रंग को घोड़ो जो धरती पू हुआ तो ऊंचो चले धरती पर पगने टेके और वो हाफ के नीचे नीचे गए वो घोड़ा के नीचे नीचे अजगर हाम चले और वो के आगे पाचे दो काला गोरा रेवे हाथ में खांडा ले और जटे वो उतर जावे उठी बरसात हो जावे घोड़ा उतर जावे जटी और वाके जगमग तो जगो करे तुरो करे तुराठ हेम कुड़ू लियो हाथ मेरे सोरठड़ी तलवार वह मैं तेज तुरा के सूरज की रोशनी में वहां सामने भीगी पड़े वह ने देख सूरज ने देखे तो वहां का बच्चे भी तेज वह में ज्यादा है अशान को वहां गाय का ग्वाल को रूप है एक हाथ में तो स्वाश्रवण को भालो है एक हाथ में कमल को फूल है और कमर कटारो है कमरिया पे कटार लटकी दिखी है वो कोई 12-13 साल की उम्र को ही नादान आदमी है। या बात सुनते ही मिली राणा जी अपना सोला बदी समाओं की मीटिंग बोले ही बड़ा बड़ा हुशार दरबारी ने भेड़ा करिया राणा जी दरबारी ने बुला कहीं घेबा लाग जा भाई आन गुरु ना धरी रे
बरी खचड़ी राव की रमेवाड़ी सरदार माया बरी खचड़ी राव की रमेवाड़ी सरदार माया अमल कटोरा पर रिया पर मंडली का माय माया अमल कटोरा पर रिया रा पर मंडली का माय माया मारू धड़े का घोड़ नारा फुगल का पटियार माया मारू धड़े का ढोर ला फुगल का पटियार माया भीलवाड़ का भील नारा हरमाड़ा का झाड़ माया भीलवाड़ का भील ना हरमाड़ा का झाड़ माया तंदार मुड़ी शाक लावा सावर का सरदार के सामने यानी कि अब राणा जी अपना सोलापति समारोह की मीटिंग में लगे होशियार होशियार आदमी आ जाएगी घटा घटा का
मारू धड़ा का गोड़ पुंगल का पडियार बीलवाड़ का बील हरमाड़ा का जाड़ चांदा रूनी शांकला सांवर का सरदार कुंबलगढ़ का राव जी बनेड़ा दरबार सलूमर का राव जी सादड़ी का गोड़ बोमटवाड़ा भोम जी ठाणा दरबार याने सब दरबार ने बुलाया। और राणा जी को कहा भाई ईशान को आदमी गुण हो सके मर्याद का भी पाता जीवित होगा कि न हो सा बूढ़ा भी पाता बालक बनेगी न बने सा एक गायों को वाला युद्ध को है वो ये सब घटना कर रही है। अरे पैर छान न कर रही हो चोड़े धाड़ा कर रही हो आके गाँव का देख पा मैं ईशान को आदमी गुण हो सके कोई तो कह रहा कहीं नहीं कह शायद दुनिया संसार सागर नहीं आते जाते रहे और बदलाव मत भरो जाए हम कोई कह रहा कोई जादूगर हो सके कोई कह रहा कि भगवान भी हो सके कोई कह रहा कि भाई भगवान को भगत भी हो सके सच्चो भगत भी हो तो वो भी कर दे लेकिन वो है कौन ही बात की सही छानबीन करनी है भगवान है कि भगवान को भगत है कोई जादूगर है तो इको परचोक छान ले वहां राणा जी वही भगत का मीन है अपनी सेना मु चार जवान बुलाया चार ही सेनापति सरदार लड़ाकू जोधा यानी कि एक ही जनो सौ जना ने पाचा फेर दे निशान का तलवार बाजा हुशार सबू लड़बा मु हुशारा सेनापति सरदार जने बुलाया चार जना ने और राणा जी चार ही जवान जो कर सुनो रे जमाना थेना था कि ये हाथा की डालना तलवार अपनी मेल दो ये जो भी भाई लोग खड़ा मेहरबानी कर नीचे बैठ जा रहा फालन दिख कौन है वह फालन बाया माया बेटी वन दिख कौन है या अठे बैठ जाओ जगह सामने खाली है। अरे अथे भाई साहब गणेश जी ने उभरो हाँ जो भी कलाकार है जो भी आसपास का जो नवेरी है वो निवेदन करूँ के स्टेज पर बैठे जो नवेरिया के बैठबा के लिए स्टेज है ये गणेश जी फाचा फाचा हो रहा उभर बैठो तो देवनारायण भगवान इनको पर्चो लेबा के लिए पर्चो के परीक्षा ने राणा जी अपनी सेना में चार जवान वाले यार चार ही जवान जो सुनो रे जमाना थेना था का चारा की हाथा की डालना तलवार भरी मेलो तो चार ही जाने का राणा जी अपन नौकरी में रहती आप लोग काम पसंद ना आए वो ठीक बात है भाई दान की कर गाँव तो चार ही जवान वो आतंकी डल्ला तलवार भरी मेल दी थी लोका का बगतर लोका का टोपा जो खोल दिया और सरकार की वर्दी जो पूरी खोल दी थी। अब राणा जी को कहते ना चार ही जवान का आगरा फेरो यह बात होनी और तो चार ही जवान बचान बढ़ जाए राणा जी घाघरा शान फिरा दिया वो तो राणा जी फेरो जवान ने कहेंगे बा लहक जाओ भाई आए सुनो रे जवाना बात बात अरे जवाना घूम रे घूमाला फेरो घाघरा अरे जवाना घूम तू घूमाला फेरो शमशानी भूमि जावे ये कहना ओडो ओडो भूम ढकन का घेर शमशानी भूमि जावे ए कहना लंबा लंबा घूंघट सहारे लो अरे कहना लंबा तो लंबा भाई घूंघट सहारे लो माया कर लो देना सोला ना श्रृंगार ए पर जोले बाजावे अरे कहना कर लो सोला ना श्रृंगार ए पर जोले बाजावे देना चारो सुनो रे जवाना बात थेना था कि आतंकी डालना तलवार या प्री मेल दो ये लोका का बगदर परा खोल दो
एर चारी जवान गागरा बेरो तो चारी बोले राणा जी गागरा तो मैंने कितनी पेरी को गागरा पेर मा का घर जाऊ ऊपर घी ने फेरा तो घर का तो गर्मी ने मटवा देखी देवरे ले जा ना कि सपागल ले जा ना कि हंडमंड हो दिखे अरे भाई गागरा कंडे वरी भी सामान ऊपर फेरना घूम घुमारा फेरो गागरा सिर पर ओढ़ लो भोम दखण का कुशमल फेरो कांतरा सोला करो शनगार चारी बन जाओ नरा की अर लंबा लंबा घूंघटा ले थे चारी आदमी औरता का रूप कर लो सोला शनगार कर लो लंबा लंबा घूंघटा काट लो अर थे ना चारी जवान बिड़च के ढावे एक गाया को ग्वाला जोड़ो है वह गाया का ग्वाल नजार देखा औरता का रूप में थे ना चारी आदमी बालक मांग जो हाँ अगर वो गाया को ग्वाल था का आदमिया का गर्भ मुंह जो बालक पैदा कर दे आदमिया का पेट मुंह तो वन भगवान मान लेगा अर अगर आदमिया का गर्भ मुंह बालक पैदा न कर सकी तो बच्चा मुंह नदर पा बांध बूटिया रखो नाग देवा भौर गेद के महाया तो यह बात होने और तो चारी जवान बोलिया काजी राणा जी आपने यो काम करवा के लिया की मेवाड़ मैंने चारी ला दिया इधर क्या भाई सबू हाउटी तनका देना चारे लिए जो काम भी धनी करना पेड़ तो चारी जवान बोलिया राणा जी वन होता काम तो बेली करियो है मर्याद का जीवता न वजन जीवता करियो है अरे भाई छाना न करियो चोरा दड़ा करियो आखिरी गाँव का देखभा में अरे बूढ़ा का भाषा बालक ने बना दी बूढ़ा ने बालक बना रही आखिरी गाँव का देखभा में बालक बना दिया बूढ़ा ने सदा सदा के लिए वह नुहार की जिंदगी हो रही पाई अरे देना मन गंदा रिया हो रही या तो मन बेली दिख रही हो काम तो मांग हो जाए अरे मान लो माँ के उन्नीस बीस इक्कीस बाईस हो गयो तो माँ को खी हो फालों की और माँ को समाधान ही घी हो या राणा जी क्योंकि जो हो जो हो जानो धनी पेड़ कहा के राजा है जो हट पकड़ ले जिन्हें छोटे दही कौन है चारा टीला जग में भारी राजा जोगी बालक नारी ठीक बात साहब राजा साहब हो कम जड़ो पेड़ी न जाओ तो गण में गाल भी लवे तो चारी जवान नरा की नारिया मनेर फेरो कई बात चारी जवान कर लिया सोला सोला शनगार शनगारे आरवान गोरो नादरी रे आन मर्दानी कपड़ा खोलिया सोला करिया शनगान जनानी कपड़ा फेरिया लिया घूंघटा सहन हाथी दांत को वो गिंद गला को हार माया भी
चारी जवान मर्दानी कपड़ा खोल दिया, जनानी कपड़ा फेर लिया, गुम गुमाला फेर लिया, गागरा शीर पर ओढ़ लिया, भौम दखन का कुशमल फेरी, कांथिना सोला करिया, चुनलो फेरियो हाथी, दांत गोर गेंद गला को बीटी फेरिया, मूंदड़ हाथा का हाथ ओड फेर, रानी बनिया जो घाटा की, आबा की बन गया बिजली, सावन की लोहड़ी फरता जा रहा, देवता नागन जैसी चारी जवान औरता का रूप में लंबा लंबा तो घूंघटा घाट मिलिया है। चारी जवान उठे भरा गया, जैसे देवनान भगवान बेड़च के डावे शमशानी भूमि में सुता फागण को ढोलियो, चारी जवान भगवान का ढोला के पर पर परकमा दे वाला यार कहेंगे वाह हरा, ये तो डोलिया के परारा चारो में बड़दवा पाला दे लेकिन माँ का मैं चारा में एक ही प्रकार को दुख है, वो दुख यो है कि मन ने चारा नहीं हारा आता जाता ना गणा दिन हो गया अपना हाल माँ की बालकटा बरने हुई हो जो माँ का हारा का मन गणो दुख दिमिल माँ का हारा का मन देख बोली जावे आरवान गुरु ना नातरी रे आन मारी सासु देव ओल बापरियो खड़ गाल मारी सासू देवे ओल पायो परन्यो खाटे काल रन्नड़ दुली ताना मारी
बैठा का श्यामनी कहीं गया समाचार तो चारी जवान भगवान का ढोलिया के बजाजार भगवान ने लोपाड़ घेवा लगिया। हाँ हे दादा माँ का हारा का मन घणो दुख दे मिलियो। हाँ माँ की सासू ओड़वा देवे देवे। हाँ आवाज कम करो कथा का शब्द पे ध्यान दीजो। अरे भाई साहब केलाने में दे दे केला दूजी तंग लिखियो जी केलो आ जाए और लिखियो जो प्रसाद आ जाए। हा का वो करवाई कोई जोड़ दुगो ने केला सबने दे ये कोई नहीं ने छोड़े ये केला देवा के लिए लाया कभी कोई बाकी नहीं रह जावे और लास्ट में रह जाए जिन्हें खे कभी घुण के नायो नायो जी गरीब ने केड़ो दे दी। लेकिन आवाज मत करो शांत में नहीं रखो ताकि कथा सुनवा को आनंद आवे कथा को बीच में कटाव ना हो। तो यानी कि ये चार ही गेरिया खुणने गेरिया देवनाथ भगवान ने चार ही जवान जो लुगा का रूप कर मिलिया घूंघटा घाट मिलिया। हाँ और चार ही जवान गेरिया ने नाता मां की सासूशन के वे हसियान का आपने घर की पड़ोसन केला शे की बीदनी केला शे की बीदनी थारो चार साल बच्चे हार आबा लगी। हाँ वहां तो छह छोरा चोरी हो गया थारा दाल की हुई ही कौन। हाँ खीर ने भी अबे की हो आपने कूड़ा की पड़ोसन कजूड़िया की बीदनी बीदनी थारो तीन साल बच्चे हार आबा लगी। हाँ वहां तो नौ छोरा चोरी हो गया कतरा नौ नौ और थारा दाल की हुई ही कौन। हाँ खीर अबे की होवा की या तो मौका खोज के बाबा नहीं। हाँ। अरे ना तो अम्मा की सासू सन का बोल बोल मौका काल जाकर तीर लगे। हाँ। मन में ऐसा वो घटी कूड़ा बड़ भरी मर जाऊ मर जाऊ। अरे ना तो अम्मा को परिणय तो मन देख भी नहीं सवाल। हाँ, मौ को परिणय तो कांदा कांदा वो यहाँ क्या काटे सदर बाजार में मन घड़ा खाटे एकली कूड़ा खा अपने मल जाओ रूंगड़ा गणवा लाग जावे। अरे चार रुपया का जब्बा फ्रेश रखे सेंड अंतर की शीशी लगा रहा आंकड़े मांगड़े घूम दो पर मचक मचक कर तो पर बीज नहीं लाभा के लिए बीज नहीं दुआ आवो तो ही कौन है का मोलिया वसा मुंडा को जो मोलिया। अरे नाता माँ को पूर्णि न्यारो शांग करे। अरे नाता मगी नंदुली बोल बोले। हाँ नंदुली का बारह तेरा छोरा जुरी हो गया। नंदुली के वो ये नन्या की लारी इक नन्या गुटु हुआ इक 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 गुटु हुआ इक हो ही कौन गुटु ही मारे कोई ऑब्जेक्शन ही कौन है आपको मती करो मार तो दोन पास करा मिल लियो। अरे ना था अरे माँ को होरो जी न्यारो शांग रहे। हाँ माँ को होरो जी मोटो तो शापो बांधे जी का मोटो छोग हो रखे। और आंकड़े भागले हम पंचायत कर तो पर बाता भांग तो पर खेतों पर माँ के बीदनी के बालक के बीदनी के बालक डा बनने लगी बीदनी हो रही सारी लागी जरी पाती है वहाँ पटेल का कर को खो थोड़ी कमाना होगी लक्का खाई पे तो वो आर गिनती का वो रुकमई फेरायो और थारी की थे किरायो और लोरी लोड़ी लंबा के लिए कोई आवाज है कि मैं रुकमनी लोग खा गया और हाई गरीब नहीं लोग खा गया खा गया। अरे नाता अरे थोड़ो गलो धूमा को सुन लियो मांगे हारी बांधन प्री मर जावे। तू मने छोरो दे दे छोरन दे बड़े छोरी दे 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 कालियो गोलियो लुलियो पांगलियो खी दे दे खीन की लेकिन खीर की दे दे मौको बांस बनो पुरो मेड़ दे। हाँ या बात गुण गिरिया वो चार ही आदमी गिरे तो लुगाया को रूप कर मिला देव जी को पड़ चले बनाया था। हाँ तो देवनान भगवान तो मन नंगे का भाई खुणा यार की काम आया। हाँ भगवान डोलिया में बैठा हुआ पास चार ही बाई ने कहीं घेबा लागे बोला माया अच्छा रो रो रुदन मत करो मत थाका जीव को नाथ को रो मती। हाँ भगवान भाई जेतु को लो सुनो जा ताको लो जरूर सुनी बन ले बोलो भैया। हाँ कह मैं भाई जेतु ने तो नौमी ना को दी दोरे भाई जी ये अरे महान वो बोलो थाने नौ दिन दुख नौ घड़ी मेरे अट्टू था का दरबार में जाओ जितर चारा की चार डिग्रिया जल में जाए रहे भाई जी अरे मारबो यो बचन खाली न जावा लो जल्दी किला पर जाजो ज्या बालिया न परन बावा लो भाई जी दूगो बालियो रे भाई जी दो बड़ा दे
ढांगा हे श्यामनी। हाँ हा को न करनो और कथा का शब्द पर ध्यान दीजो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया कला खेवो चाहे जादू खेवो चाहे बली ने ठीक है, आपके सामने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत हो रही है। ये नहीं कि आपने देशी भाषा में जादू कहवा तो देखा भाई साहब क्षण को जादू बताओ की बताओ भाई साहब गाठी छाती कराया जो हो जो हो। तो ये चार ही जवान भगवान चारणी भजन जो बोलो भाया हाँ। मैं भाई जेतु ने तो 9 महीना को दियो तो 9 महीना के बाद में जले हाँ। बोलो थान 9 दिन में दूग 9 घड़ी के मार या बात योर चार जवान बोलिया को ने जान जा के हल बेल भी बेरी हाँ। भगवान वचन दियो के जाओ अरे अतरा आवाज का गिरे वकी बोली था गया सरा परा बैठ दो ने थोड़ी देर डब्बे के एक साठ का मुलाड़ दिया हाँ। एक बार सभी महापुरुष दो याद खड़ा कर जोरदार को देवनारायण भगवान को जय करो लगा बोला कोई बाकी नहीं रहे बोलो सबने लगानी जय बोलनी चतमनु बोलनी कोई करोड़ो वर्ण रहे बोलो बेटो ने बोलो जय ने बोली आखी रात होगी अबे जय बुला रही हो कोई बाकी नहीं उन्होंने जावा बोल श्री देव नारायण भगवान की तो ध्यान आ गया भाई साहब को वो ठीक कर देगा। तो देव नारायण भगवान चार ही जवान जो को बोलो भाया मैं भाई जेतुने तो 9 महीना को दियो हुआ 9 महीना के बाद में जले मी बोलो थाने मु खतरी देने में दो 9 दिन में दे दू 9 घड़ी में दे दू। चार ही जवान बोलिया को तो भगवान जो के जो थन दियो 9 पुल के माय 9 पुल यानी कि अटू था का दरबार में जाओ तो किला बने जितरे की थक भगवान ये लो सुन ले ऐ था का दरबार में जाओ तो ताकि चारा की चार छोरे हो जाए जाते ही फेली यू बचन खाली ने जाओ लो जल्दी किला पर जाओ गेला में राशो डबल जाओ लो और वहां चार ही बालकिया ने परनबाई बई जेतु को बालक जो बालक में बई जेतु ने दियो वो एक ही बालकिया चार ही बालकिया ने प्रेणी और वो बालक थोड़े दो राी मुझंग बढ़ देता जा रिया वो लहंगा का फेटा का जा रिया का जाट का उन्हें लाग रिया उन्हें ऊना का लाग रिया उन्हें उलझता जा रिया कहा वो तो पहली बार भेजे मेरा चाल तो जानी ना भेजा का महीने तो चार ही जवान बात करता जा रहा कारे तिहाड़ देव कारे मंगल सिंह ये गाया का गौर ये नंगन ने पड़ी का पा लो गांव लुगई और आप नहीं कहते कि तंगी छोरियां हो जाए आदि है कभी कभी बालक डबर होगी अरे यो तो गाया को गौर है नादान 12-13 साल की उम्र को नादान छोरो इन्हें किन भी आप नहीं राजनीति ने राजा साहब उन जेल में नाग दी अशान बात करता करता ये चार ही जवान राजा साहब के रावल जा रहा हाँ। एक युवा निवेदन है कि भाई आप आपके घरे भी यार एक एक जनो और फेरो लगाते रहिए और गली का मैंने एक दो जनो ऑर्डर ऑर्डर बनिया रहिए कहाँ के खाले माता वाला को बहुत भैया मांग और बढ़ गया यार ई वास्ते देखो वो भी मौको देगा वहाँ को भी काम ही यही है वहाँ का भी मौको नीट मिल रहा है इसलिए घरे भी जाते रहो फेरो देते रहो। तो ये चार ही जवान बाता करता करता जा रिया अरे तो चार ही राजा साहब के रावल भराई राणा जी को दरबार लाग रियो और दरबार भरियो तो सब बाढ़ राजा देगा चार ही जवान जो की समझार लावे तो राणा जी की हिंद व सूरज गाती ऊंची लगी थी कि राणा जी सूरज गोकड़े पर राजा देगा दूजा दरबारी नीचे बैठा देगा राणा जी ऊंचा नाल के जा खाओ राणा जी मैंने वो आपका गाया का गुआने के जाया सार मन ईशान योग थे ना चार ही था रावड़े जाओ अतर था चारा की चार छोरिया हो जाए ईशान यो मनो यो चार ही जवान ऊंचा नाल जा राणा जी का दिन ना नीचा खुद का दिन नाली ही कौन है राणा जी की नजर उदी चारा की पेट में पड़ी चारा की भगवान की लीला हो रही चारा की पेट आप डोल हो रहा
चार ही जवान उठी दरवाजा के मुंडी बेवोश और उठी पड़िया हालर चालर बोल ले चल हाना की भी न कैसी कहना की तो गड़नवर कहना की बातचीत हुई हाँ की न कैसी क्या बेवोश और पड़िया चारा के पेट आफरिया ढोल हो रहा चारा के पेट ए राणा जी का सब सरदारा का मलका ने सही उतर जा गया की होगी बात राजा साहब का दरबारी जी में जो बाउटियां पकड़ पकड़ कुमार को ओढ़ न किया का कोई दूजा देख बना गई राजा साहब और दूजा सब दरबारी बचान पड़िया को समाधान की हो बेवोश हो पड़िया तिका है तो देवनारायण भगवान अपनी दिव्य दृष्टि सब गतिविधियां ने देख लिया है तो देवनारायण भगवान अपना घर का भार जी कुल कवि हा चोचू भार जी जाने बुलाया है और देवनारायण बाबा भार जी बुला कहीं घेवा हेलो पाड़ियो बाबा भाट ने पार ब्रह्म उदाजी भगवानी शमशानी भूमि गई हरे महाने ए आन हेलो पाड़ियो बाबा भाट ने देवदनी दरबार हेलो पाड़ियो बाबा भाट ने देवदनी दरबार ध्यान दीजो ये भाई साहब भोमाराम जी गेंद ने ई डब्बा में मिली गेंद ने ई डब्बा मिली अब
या गेंद ई डब्बा मु वो डब्बा में जाए या गेंद ई डब्बा मु वो डब्बा में जाए और अपना आप जाए। एक चरण के बाद में आपके सामने यहां पर शुद्ध करी जाए तो चार ही जवान यानी कि भगवान का भेजा देगा, यानी कि बाबा भारजी ने देवना ने भगवान बुलाया है और देवना ने भगवान बाबा भारजी ने बुलाया कहीं गेबा लगा है देखा भाई से बाबा भारजी हाँ ये बहिना आपा पोता पानी उदेल नहीं बेड़ी। अरे बाबा भारजी थे शीघ्र जो वेदराज को रूपदान कर लो, खांदा पर जोड़ी मेकड़ा टेर लो और मेकड़ा में मारिया बिलिन सार की छुरी मारो सरज में चंडियो लेट दे किला पे जाओ और भाड़ जी महाराज अबे किला पे जाओ और कहीं कहता जा रहा है देखा भाई अरे रघुपति राघव राजा हो राम पति तपावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम मुरली नाच मोर भगत के कर नंद किशोर मुख मत मुरली कटम राम जय रघुनंदन जय सिया राम हरी करी भाई खरी करी मुकड़ा आयो पर मुरली दरी ये गरी की गेंद तो वंड बम रहेगी गेंद की तो बात खत्म होगी अब इमुख ही नहीं रह देगा देख दीजिए एक बार सभी महापुरुष जोरदार को भगवान देवनारायण जी को जयकार लगाई बहुत श्री देव नारायण भगवान की सब तो कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण दीन जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। अरे मर्द प्यास पिंजरा परियो सुबह समय के फेर आदर दे दे बोलियत बाईसु बलि की बेर यानी कि
लंबी भाव बराबर आ गया अडीने हाँ साहब बोनू 5 मिनट के बाद में बहुत ही जोरदार को कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होई माँ जगदम्बा की साक्षात ज्योत कलाकार अपना माता पर मटकी ले शू की माता पर आग लगाए जगदम्बा की ज्योत सबके सामने आई और सबने ज्योत का दर्शन करना है बहुत जगदम्बे मात की जय हो। हाँ साहब तो बाण जी महाराज नारायण नारायण करता तका राजा साहब का रावड़ा भरा गया रावड़ा के बाण जा रेड़ पाड़ी के मैं बेदराज हूँ ई नगरी में कोई भी दुखी आत्मा हो नर हो चाहे नारी एडी लगाड़ चोटे तक कोई भी हो बीमारी सब को इलाज मारने के मेघड़ा पर मिलियो क्या खुद ही जाओ राजा साहब की शंका हो जाओ देव जी को आदमी दिखे तो राजा साहब का कामदार बाण जी ने पकड़ ले गया रावड़ा और राजा साहब के सामने जा पेश किया और राणा जी बाण जी ने देखकर कहेंगे वाह लग जाओ भाई परदेशी मानवी खटे तो थारा रहना हाँ खटे थारा बैठना बैठना मन बता दे थारी उद्बुद्धि की जोई ठोई रे आन मारो तारा हडको बैठना बदनोरो मारो दे ये तो माला
श्री देव नारायण भगवान की जय हो। पहले तो यह बताओ जादू की मीठी गोलियां कौन कौन खाई? हाँ जी बता दो, जो जो खाई जी के पेट में झाड़ियो हुई, दो गई जी के गुआर को भटू होगी। क्या बोलते मारी गुआर को भटू होगी, मार बेटा कोई आए थे कांटा भागता रे तरकाती फोटो मिल दे। तो अब आपके सामने माँ जगदम्बा की जोत, जिस पर हमारे कलाकार पीरू जी लुहार गांव राजगा देविया तहसील हुलडा जिला भिलवाड़ा लेकर के मटकी लेकर के हाजिर हैं, जिस पर माँ जगदम्बा का भजन प्रस्तुत करेंगे हमारे सह गायक और डांसर नृत्य कलाकार बबलू जी धनगर मंडपिया वाले। इसके बाद में एक देवनानी भगवान को 10 मिनट को भजन है वह भी प्रस्तुत करी हो जाए। सभी महापुरुष शांति बने रखें। आओ लीजिए साहब माँ जगदम्बा की जोत और माँ जगदम्बा का भजन बबलू जी धनगर। हाँ साहब, अंकिता भाई और सुशील जी आपकी तरफ से 151 भगवान की कथा भेंट, भगवान आपकी हर मनोकामना संपूर्ण करें। हाँ एक मिनट, हाँ सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हाल तक आधो प्रोग्राम और बाकी है और बहुत ही जोरदार मेन प्रोग्राम अब है, इसलिए सभी महापुरुष बलि लघु शंका के लिए जयो गर्व फेरो दियो फाचो आनो है कथा सारी रात भर चाल, और बहुत ही बढ़िया एक बढ़कर एक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हो, इसलिए सभी महापुरुष शांति बने रखें। लीजिए साहब भगवान श्री देव नारायण जी की अमर कथा, और थोड़ी देर के बाद में आपके सामने हमारे कॉमेडी कलाकार भवानाम जी अगली प्रस्तुत लेकर के हाजिर होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत ही जोरदार का प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत होगा, और उसके बाद में भगवान देवनारायण जी का भजन हमारे भोपा जी तैयारी कर बैठे हैं, उनके मुखार बिंद से भगवान देवनारायण जी की महिमा भी सुनी जाएगी। बहुल श्री देव नारायण भगवान की जय हो। भैरुनाथ भगवान की जय हो। जगदम्बे महात की जय हो। हाँ साहब, तो बाड़ जी महाराज राणा जी ने अपना बतो बताया कि सुनो राणा जी, मारो रे वो तो नंदी खारी के पहले पार चटे नाग फाड़ का डूंगरी पुष्कर जी का गांठे, वे बड़ला वे बावड़ी वे शंकर का माला शेर की डूंगरी खारी नदी की धीरे तामेश्वर की बावड़ी रामेश्वर का घोड़े, मैं बाढ़ सवाई भोजगुर छोछू मारो हे नामी सेवा साधु शालग राम गिर गोठा नगरी के माइनी। यह बात यो राणा जी तो आदमी तो ठका नो भाई। हाँ देख भाई माँ के किला में बात की कौन जगदम्बा की मेहरबानी है। हाँ। लेकिन ये चार ही आदमी कृष्णा हो रहा जी को थूकी कर जाएगी। हाँ। बाढ़ जी महाराज ने वहां जगह पर लेके जाते चार ही जवान बेहोश भर पिड़िया तक। हाँ। बाढ़ जी महाराज चार ही जवान का बड़े बेट रहा पेट का लगा लगा रखे या काजी राणा जी की या बीमारी तुम्हारे पकड़ में नारी सा। हाँ, नारी ने कहते न तो यहाँ का मलेरियो है न का कैंसर है न का कोरोनो है या कहीं अखी बीमारी लगी सा या कहते पेट में गिर की हाल रही है। हाँ। राणा जी क्यों पाया अखी में पूछे बात कि भाई यहाँ को इलाज थे ना करना है। हाँ। तो बाढ़ जी महाराज चारा की बड़े बेट मेघड़ा मुंह छुरिया खाड़ी बीजल सार की चलक भलक कर दी थी। हाँ। सभी सरदार कर कर बाकी डेडी भागिया नाला ने छुरी की पेट फाड़ेगी। हाँ। जदरे की तो बाढ़ जी महाराज। हाँ। खाड़ी पीतल सार की पेट दिया पर नहाल सुरिया खाड़ी।